हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो आपके बालों के लिए ऑल इन वन है। आज मैं आपके साथ एक हेयर ऑयल शेयर करूंगी। तो इस ऑयल को बनाने का तरीका जानने के लिए और इसको अप्लाई कब और कैसे करना है ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजम देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आज की रेमेडी में जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है ऑनियन यानी प्याज। तो प्याज के लिए बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फायदा मंद है। इसके अंदर सल्फर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और इसके साथ ही बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदा मंद है। इसके अलावा ये आपके बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करते हैं। प्याज की एंटीफंगल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आपके स्कैल्प एरिया से किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को रिमूव करती है। अगर आपके बालों का साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, आपके बालों में बहुत ज्यादा फ्रिजनेस है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो बालों की फ्रिजनेस बहुत ज्यादा कॉमन है, अगर आपको स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है और अगर बालों का टेक्सचर बहुत खराब हो चुका है और अगर आप बालों में चोटी या पोनी बनाते हैं तो उसके बाद आपके बाल खराब लगते हैं या फिर किसी भी हीट एप्लीकेशन या केराटिन की वजह से आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, तो ये ऑयल आपके इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो ये ऑयल आपके बालों को स्मूथ, हेल्दी और शाइनी बनाने के साथ साथ इनका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम इसमें प्याज और फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेथी दाना भी आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज रखता है। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अगर आपकी स्कैल्प पर डैंड्रफ है तो ये आपकी इची स्कैल्प को ट्रीट करता है, आपकी स्कैल्प से एक्सेस ऑयल को खत्म करता है, आपके बालों की प्री मैच्योर ग्रेइंग को ट्रीट करता है और आपके बालों को स्मूथ, शाइनी और स्ट्रेट बनाता है। चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए है जैतून का तेल। जैतून का तेल आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है और इसमें आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। तो अब एक पैन में हाफ ग्लास के बराबर जैतून का तेल लें और इसको लो फ्लेम पर हल्का गर्म करें। इसके बाद आपको चाहिए है एक मीडियम साइज का प्याज। प्याज को पील ऑफ करने के बाद इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लें और अब प्याज को इस गर्म किए हुए तेल में डाल दें। और इसके साथ ही हम लेंगे 2 टेबलस्पून फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। प्याज डालने के बाद हम इसमें मेथी दाना भी डाल देंगे और अब इनको लो फ्लेम पर पकाएंगे। इनको तब तक पकाना है जब तक कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाए। ऐसे ही प्याज का कलर हल्का ब्राउन होने लगे आप फ्लेम बंद कर दें। इस तेल को कुछ देर के लिए ठंडा होने दें और इसके बाद एक बड़े जार में ट्रांसफर कर लें। बाज़ औक़ात हम अपने बालों पर इस तरह से तेल लगाते हैं कि हमें इसके प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने बालों को अच्छी तरह से डिटेंगल कर लें और बालों को डिटेंगल करने के बाद आप अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड करें और स्कैल्प एरिया पर अच्छी तरह से मसाज करें और बालों के एंड्स तक अप्लाई करने के बाद बालों को टाई कर लें। आप इस ऑयल की ज्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं क्योंकि इस ऑयल की शेल्फ लाइफ 5 से 6 महीने तक है और इस ऑयल की कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप इसको डेली भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको ओवरनाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑयल का इस्तेमाल टीनेजर्स भी कर सकते हैं। ये आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।